फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एलकेजी के बच्चों के लिए हिंदी की वर्कशीट। सबसे पहले तो बच्चों को क्या हमें बता देना चाहिए कि जिससे कि उनको हिंदी में आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, कौन सी चीज़ है जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले उनको तो स्वर अ आ ई ई इस तरह से आप उनको जितनी भी प्रैक्टिस करा सकें, उनको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अ आ ई ई लिखते कैसे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ये स्वर पे ही आगे जाके जब हम उनको इसकी मात्रा बताएंगे तो सारी चीज़ें इस पे ही डिपेंड करेगी। और व्यंजन, व्यंजन भी उनको बिल्कुल ही अच्छे से और लिखना आना चाहिए। ये चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं आप उनको, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से वर्कशीट बना के बीच बीच में कोई, मतलब वो भूले ना। एक्चुअली क्या होता है बच्चे की, जैसे क ख उसके बाद कौन सा आता है ये भूल जाते हैं वो। उन्होंने क वाली लाइन लिखी तो फिर उसके बाद च की लाइन आती है, ट की, ये चीज़ें उनको कन्फर्म मतलब हो जाए कि हाँ ये किस तरह से लिखना है। और ये सारा अब जैसे हमेशा जब भी उन्हें पढ़ाएं तो य र ल व, इसको श सिर्फ ऐसे नहीं, ये तालब श मूर्धनी सा दंत सा इस तरह से करके पढ़ाएं, तो उन्हें वो चीज़ें हमेशा क्लियर रहेगी कि जब भी तालब श बोलें तो क्या लिखना है, मूर्धनी सा तो कैसे लिखना है, दंत सा तो कैसे लिखना है, ये चीज़ें। और इस तरह से वर्कशीट बना के आप उनको हमेशा प्रैक्टिस कराते रहें। ये आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे हिंदी उनके लिए इतना ईजी रहेगा, नहीं तो आगे चल के बहुत टफ़ उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि वन क्लास प्रेप, वन क्लास में जाके मात्रा और सेंटेंस वर्ड ऐसे सब शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आप एलकेजी में उन्हें बिल्कुल ही क्लियर करा दें कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और कैसे हम लिखते हैं, क्योंकि मात्रा पहले नहीं सिखाई जाती है, मात्रा बाद में, तो ये चीज़ें फिर रिपीट होती है। और इसके साथ फिर उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से शब्द लिखना है। तो ये उन्हें आप जितना प्रैक्टिस करा सकें एलकेजी में, यही सफिशियंट होता है बच्चों को कि आप जितना प्रैक्टिस करा सकें। उसके बाद कुछ वर्कशीट इस तरह से बना के, जैसे यहाँ पे ऐसे पिक्चर बने होते हैं घर का, मछली है, ऊन ऐसे, और नीचे ऐसे लिखे होते हैं अक्षर कि घर। जब उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि घ कहाँ पे आता है या मतलब क्या होता है, घ से घर, घर हमने बोला तो घ उन्हें वो साउंड पता है कि घ इसको कहते हैं, तो घ से घर, इस तरह से वो आसानी से इसको पकड़ लेंगे। म से मछली, म उन्हें पता है कि म ये है, क्योंकि उन्होंने क ख ग घ ये सारा व्यंजन आपने सिखा दिया उनको, तो वो इजली इसको कर लेंगे। ऊन इससे होता है, इस तरह से। अब दूसरी चीज़ है, जब हमने वो सारी चीज़ें सिखा दी है तो उन्हें पिक्चर देख के पता होता है कि ये छाता है, तो छ से छाता होता है। चम्मच है, छ से चम्मच होता है। शलगम है, तो छ से शलगम होता है। खरगोश है, तो ख से खरगोश, इस तरह से वो आसानी से कर लेंगे। तो आपको हिंदी में सिर्फ प्रैक्टिस कराना है क्या, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्वर और व्यंजन बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। और कोई भी पिक्चर कहीं भी हो, आप उनको पूछें हमेशा कि ये क्या है, अगर पिक्चर बने हैं तो कौन से अक्षर से ये शुरू होगा, तो वो बच्चे लिख के या पढ़ के बताएंगे कि हाँ घ से शुरू होगा, क से कमल शुरू होगा, इस तरह से। तो उनको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी बहुत ही अच्छे से, और आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप सिर्फ इस पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी वर्कशीट इस तरह की होती है, इसी में अलग तरह के कुछ शब्द लिखे होंगे कि छाता लिखा है तो उससे मैच कराना है, तो वो इजीली कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उन्हें स्वर और व्यंजन क्लियर हो गया है तो किसी भी तरह की वर्कशीट होगी वो बहुत ही आराम से बना लेंगे। अगर आप उनको बता देंगे कि करना क्या है तो वो बहुत ही आराम से उस चीज़ को समझ लेंगे और बना लेंगे। तो वर्कशीट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इस पे ज़्यादा फोकस करें कि इसको जितनी जितना ज़्यादा क्लियर कर सके वो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। और आगे चल के उनको शब्द लिखने में
और बाकी चीज़ें पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि उन्हें हर एक अक्षर पता होगा कि इसको हम क्या पढ़ते हैं। इस पे आगे चल के मात्रा, मात्रा की बहुत सारी मैंने वर्कशीट और वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं हिंदी प्लेलिस्ट में, उसमें बहुत सारी बनी हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों को आगे आप सिखा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।